हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज औसत से पार्ट 3। इससे पहले मैं दो पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जिस भी मेरे दोस्त ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वो पार्ट देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक आपको नीचे जो यहाँ पे ये त्रिभुज बना होता है इसको दबाने से खुल जाता है, वहाँ पे आपको सभी पार्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो सभी आप देख सकते हैं। आप इस पार्ट को देखिएगा, इसमें मैंने और टाइप कवर करे हैं। इससे पहले जो दो पार्ट अपलोड किए हैं बेसिक्स और सभी टाइप कवर किए हैं। ऐसे ही हम हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। जो भी मेरा दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहा है और अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो अभी नीचे रेड कलर का बटन दबा करके और बेल आइकन को ऑन कर ले दोस्त, ताकि जो भी मैं पार्ट अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर आपका कोई सवाल रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। तो वीडियो को दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को जरूर देखते रहिए एंड तक। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, यदि अब उनके एक बच्चा भी है और बच्चे सहित पति पत्नी की औसत आयु 20 वर्ष है तो बच्चे की उम्र क्या होगी। देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले शादी से पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, ठीक है, और यदि अब उनके एक बच्चा भी है, अब प्रेजेंट में उनके बच्चा है और उन तीनों की आयु 20 वर्ष है, ठीक है, औसत आयु 20 वर्ष है तो बच्चे की उम्र पूछी है। तो आराम से निकाल लेंगे, हस्बैंड वाइफ की 5 साल पहले की आयु निकाल लेंगे पहले। तो हस्बैंड वाइफ की 5 साल पहले की आयु कितनी आएगी, 23 × 2 कर देंगे, क्योंकि 23 उनका एवरेज है, 2 हस्बैंड वाइफ हो गए तो दोनों की करेंगे, तो 46 उनकी 5 साल पहले की आयु थी, ठीक है। अब इसमें 10 प्लस कर देंगे क्योंकि ये 5 साल पहले की है, तो दोनों की 5-5 प्लस करेंगे हस्बैंड और वाइफ में तो 10 साल प्लस हो गया, तो यानी कि 56 आ जाए। 56 ये हस्बैंड वाइफ की प्रेजेंट एज आ गई, 56 जो आ गई हस्बैंड और वाइफ की सिर्फ प्रेजेंट एज आ गई, और प्रेजेंट एज दे रखी है हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन की 20 ईयर एवरेज एज, तो तीनों की 20 ईयर दे रखी है, तो 3 में गुणा कर देंगे तो 60 जो आ गई ये तीनों की प्रेजेंट एज आ गई, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन की तीनों की 60 आ गई, तो ये कितना हो गया प्रेजेंट एज 60। तो बस आपका आंसर आ चुका है, हस्बैंड वाइफ की परसेंटेज 56 है और हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन की परसेंटेज 60 है, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो जो 4 ईयर आएगा तो ये बच्चे की उम्र आ जाएगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है यहाँ पे ये तो 56 है और यहाँ पे हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन है, तो यानी कि एक एक्स्ट्रा चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन की एज ही तो 4 ईयर हो जाएगी, तो जो 4 साल आए हैं ये बच्चे की उम्र आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हो ये क्वेश्चन समझ में आओगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, और नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, तत्पश्चात एक बच्चे का जन्म होने के पश्चात भी आज परिवार की औसत आयु उतनी ही है तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 3 वर्ष पहले, 3 साल पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, ठीक है, और अब उनके एक बच्चा भी है, एक परिवार में एक बच्चा भी हो गया और आज भी उनकी आयु 17 वर्ष ही है, एवरेज आयु 17 वर्ष ही है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम टोटल एज निकाल लेंगे 5 मेंबर की, ठीक है, तो 5 मेंबर की टोटल एज कितनी आ गई, 15 से 7 की गुणा कर देंगे 17 की, क्योंकि 5 में, क्योंकि 5 मेंबर है और 17 उनकी एवरेज आयु है तो 85 आ जाएगी, और ये 85 3 वर्ष पहले वाली आयु आई है भाई, 3 वर्ष पहले वाली आयु, तो हमें 3 वर्ष इसमें और ऐड करना पड़ेगा प्रेजेंट एज लाने के लिए, तो 5 × 3 में करेंगे क्योंकि 3 साल पहले की है, तो 5 के 5 मेंबर होगी, अगर 3 3 बढ़ाएं तो कितनी हो जाएगी 15 साल इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है एक बार और बता देता हूँ, 5 मेंबर हैं और 5 में सभी की 3 3 साल बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी 15 साल इसमें और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, तो ये 15 साल ऐड होंगे, इसके बाद जो ये 100 आई ये 100 प्रेजेंट एज आ गई 5 मेंबर की, ठीक है, ये सिर्फ 5 मेंबर की प्रेजेंट एज आई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अब जो है एक बच्चा भी हो गया इस फैमिली में, यानी कि मेंबर कितने हो गए 6, ठीक है, तो उन 6 मेंबर की टोटल एज कैसे निकालेंगे, टोटल एज ऑफ 5 मेंबर प्लस एक चिल्ड्रन, अभी भी मेंबर 6 हो गए पर एवरेज अभी भी उनका 17 ही है, क्योंकि इन्होंने बोला है 10-50 एक बच्चे का जन्म होने के पश्चात भी आज परिवार की औसत आयु उतनी ही है,
तो औसत में चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक मेंबर बढ़ गया, यानी कि मेंबर हो गए 6 और एवरेज 17 का 17 ही है। तो अब टोटल एज कितनी हो गई, 102। और ये 102 है, इसमें एक मेंबर एक्स्ट्रा है जो चिल्ड्रन है, जो चिल्ड्रन उनकी फैमिली में एक्स्ट्रा आया है, पैदा हुआ है, तो वो 102, उसकी वजह से 102 हो गई। तो सभी 5 मेंबर प्लस चिल्ड्रन की प्रेजेंट एज 102 है और 5 मेंबर की एज 100 है, तो जो 2 ईयर का डिफरेंस आया, ये किसकी एज हो जाएगी, ये चिल्ड्रन की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। देखो 5 मेंबर की एज 100 है और 6 मेंबर की एज 6 की गुणा 17 में करेंगे, क्योंकि एवरेज चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, तो कितना हो गया 102। और जो ये डिफरेंस आएगा 2 ईयर का, यही आपकी बस चिल्ड्रन की एज हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे, ये भी अभी नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा लॉजिकली है, वैसे बिल्कुल आसान है, ठीक है, और ये आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। क्रिकेट के एक खिलाड़ी 24 पारियों में कुछ औसत रन बनाए, ठीक है, 25वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसमें 25वीं पारी का औसत 3 अधिक हो गया, तो बताओ 24वीं पारी का औसत क्या है। इसे एक एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्योंकि सारा लॉजिक जो है क्वेश्चन में ही है। एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने 24 पारियों में कुछ औसत बनाया, हमें नहीं पता कितना औसत बनाया, कुछ औसत बनाया, ठीक है, पर उसने 25वीं जो पारी आई, 24 के बाद जो 25वीं पारी आई, उसमें उसने 90 रन बना दिए। उन 90 रन बनाने से, 90 रन बनाने का सारा इफेक्ट हुआ इसमें, 90 रन बनाते ही 25वीं पारी का औसत 3 से बढ़ गया, ठीक है, यानी कि अगर औसत बढ़ता है तो औसत सबका बढ़ता है, सबका 25 की 25 पारियों का औसत बढ़ा होगा, ठीक है, तो अब उसे 24 पारी का औसत हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें सारा आपको देखो, एक तो मैं इसमें यहीं पे बताऊंगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको हमेशा ऐसे ही करना जैसे मैं अभी क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूं। 25 की 25 पारियों का उसने औसत बढ़ाया कितने से, 300, यानी कि 75 रन एक्स्ट्रा लेके आया है वो 25वीं पारी में, सिर्फ 25वीं पारी में 75 रन एक्स्ट्रा लेके आया। और जो 25 पारी का रन है वो कितना है, 90, ठीक है, 25 पारी का रन 90 है, यानी कि अगर उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो 15, यानी कि अगर वो 15 रन लेके आता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो रन कितने लेकर आया, 90, और 90 रन लेकर आया, यानी कि 15 रन तो वो ठीक है, अगर 15 रन तो लेके आना ही था उसे, पर 75 रन एक्स्ट्रा लेके आया, जिससे उसका 3 से एवरेज बढ़ गया। इसे थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करो, 25 की 25 पारियों का रन उसने बढ़ा दिया, ठीक है, 3 से, यानी कि 75 रन एक्स्ट्रा लेके आया वो, तो एक्स्ट्रा जितने लेके आया है उसे, उससे कम जो बच गए वो तो उसे लेके ही आने थे, 15 रन तो उसे लेके ही आने थे, एक्स्ट्रा कितने लेके आया, 75। तो बस यही आपका आंसर है, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। देखो अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपको हमेशा क्या करना है, जितनी पारी दी होती है उतनी से गुना करेंगे, ठीक है, और आ जाएगा आपका जितना आ जाएगा, और जितने रन होंगे उसमें से माइनस कर देना, वही आपका आंसर आ जाएगा, हमेशा आपको ऐसे ही करना है। एक क्वेश्चन और इसी बेस पे देख लेते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 6 पारियों की कुछ औसत रन संख्या है, ठीक है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 6 पारी उसने खेली और उसमें कुछ औसत रन संख्या है, 7वीं पारी में उसने 50 रन बनाए, 7वीं पारी में उसने 50 रन बनाए, जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया, तो बताओ 7वीं पारी का औसत क्या होगा। इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में सिर्फ एक डिफरेंस है, यहां पे पूछा है आपका 6ठी से 7वीं पारी का औसत, और यहां पूछा था 25 से 24 पारी का औसत, यानी कि यहां पूछा था एक पीछे का और यहां पूछ लिया एक आगे का। बस एक लॉजिक यहां आपको ध्यान रखना है, अगर पूछे एक आगे का तो आपको 6 से, यानी कि 6 पारियों का लेना है सिर्फ, ठीक है, 6 पारियों का लेना है, जितनी उसने खेल चुका बस उतनी पारी का लेना है, तो 6 पारियों का 4 से बढ़ा हुआ ले लिया, कितना होगा, 24, और 7वीं पारी का 50 उसने उसने जिस 50 रन बनाए जिसमें उसका औसत 4 से बढ़ गया, तो बताओ 7वीं पारी का औसत क्या होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस लेके तो 26 आएगा, और 26 आपका आंसर आ जाएगा। देखो इन दोनों में थोड़ा कंपेयर करते हैं, यहाँ पे उसने 24 पारी का लिया था तो हमने क्या किया था, 25 की 25 पारियों से उसकी गुणा करी थी और ये उसका 75 आ गया था बढ़ा हुआ रन, तो इन दोनों का डिफरेंस आंसर आ गया था। यहाँ पे हम सिर्फ हमने 6 पारी, क्योंकि उसने जितनी खेली है उतनी तो लेंगे, अभी 7वीं पारी में उसने 50 रन बनाए हैं
जिससे उसका औसत 4 से पड़ा है, ठीक है। तो उसने 7वीं पारी का ही औसत पूछा है, तो इसका मतलब हम 6 पारी का ही लेंगे उससे पहले का, ठीक है। यही इसमें डिफरेंस है। अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं इन्हें दोबारा बता दूंगा, एक बार इनको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी विद्यालय में 280 छात्रों का औसत अंक 40 है, यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 45 हो और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 25 हो, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का संख्या क्या थी। तो दोस्तों इसमें हम लगाएंगे एलिगेशन। एलिगेशन मेथड अगर आपको नहीं पता है तो इसका मैंने पूरा चैप्टर अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके एलिगेशन मेथड देख सकते हैं, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया उसमें। अभी हम यहाँ पे देखते हैं। देखो एलिगेशन कहाँ पे लगता है, जहाँ पे आपको 3 डिजिट दे दी हो, ठीक है। 3 डिजिट, एक डिजिट तो ये होगी, ठीक है, एवरेज होगी जो, ठीक है, सभी का एवरेज होगी, और उससे एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी, तो आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ये 3 डिजिट है कहीं भी, और ये कुछ ही सेकंड का आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो देखते हैं हम कैसे। 25 जो है आपका औसत फेल वालों का है, और 45 है जो पास वालों का है, और जो टोटल छात्रों का है फेल और पास दोनों का वो है 40, ठीक है। तो अब इसे हम क्या करते हैं एलिगेशन मेथड में, इसमें से इसे माइनस करते हैं तो ये आ गया 5, और इधर से इसमें 40 में से 25 को माइनस करते हैं तो ये आ गया 15, ठीक है। और जो ये रेशो आ गया 3:1 का रेशो आ गया, ये फेल वालों का 1 आ गया और पास वालों का 3 आ गया। तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, अब ये जो कुछ भी पूछे हमारे से हम वही निकाल सकते हैं। तो विद्यालय के टोटल छात्र कितने हैं 280, और पूछा कितना है उत्तीर्ण छात्रों का पूछा है, तो 280 को 4 से भाग कर देंगे, क्योंकि 4 इनका टोटल, इनका फेल और पास वालों का टोटल रेशो कितना है 4, और जिसका पूछा है उससे गुणा कर देंगे। पूछा किसका है, पास वालों का, पास वालों का रेशो कितना है 3, तो 3 से गुणा करेंगे, 210 आंसर आ गया। 210 किसका आ गया, पास वालों का, उत्तीर्ण छात्रों का 210 है, ठीक है। 280 में से 210 उत्तीर्ण छात्र हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 33.75 किलोग्राम है, उसमें से 7 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है तथा शेष छात्रों का औसत वजन 32 किलोग्राम है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हमें 3 डिजिट चाहिए होती हैं, ठीक है, एक एवरेज चाहिए होती है, ठीक है, एक फिर उससे बड़ी और एक उससे छोटी। अगर हमारे पास 3 डिजिट है तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसे कैसे सोल्व करते हैं, 7 छात्रों का औसत वजन कितना दे दिया 42, और शेष छात्र जो बच गए उनका 32। अब हमें पता नहीं है कि टोटल छात्र है कितने, पर हमें दो चीज़ मिल गई, हम इनसे निकाल सकते हैं। 7 छात्रों का दे दिया ये और शेष छात्रों का दे दिया ये। अब और जो टोटल किसी भी कक्षा के सभी छात्रों का औसत कितना दे दिया वजन 33.75, तो अब हमें मिल गया, और हम इससे रेशो निकाल सकते हैं। तो इसकी इसमें से माइनस करेंगे तो 8.25 आ गया, और इसे इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.75, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और फिर इसको 25 से काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये 33 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि 7 छात्रों का रेशो कितना आ गया 7, और 32 जो शेष छात्र हैं उनका रेशो कितना आ गया 33। तो जो 7 छात्र हैं उससे हम टोटल निकाल सकते हैं, 7 छात्रों का रेशो कितना है 7, और टोटल छात्र का रेशो कितना है 33 + 7, तो कितना होगा 40। तो 7/7 करके 40 की गुना करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 40। तो पूरी क्लास में टोटल छात्र कितने हैं 40, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आशा करता हूँ मैं आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। तो बहुत आसान है ये, 3 लड़कों की औसत आयु 18 है, तो यानी कि टोटल आयु कितनी हो जाएगी तीनों लड़कों की, 18 × 3 = 54 हो जाएगी, ठीक है। और अब हमें पूछा है सबसे छोटे लड़के की, तो सबसे छोटे लड़के की निकालने के लिए हमें सबसे पहले सबका प्लस करना पड़ेगा रेशो, और उसे भाग करना पड़ेगा टोटल आयु से, ठीक है, जो टोटल एज है तीनों बॉयज़ की, तो कितनी है 54, 54 को 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 और 3 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,
और सबसे छोटे की पूछी है तो 2 से गुना कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो आपका 12 साल आ गए। अगर यहाँ पे पूछते सबसे बड़े की तो यहाँ पे भाग करके 9 से गुना कर देते 4 से, तो आपका आ जाता 12 साल, ओ कितना आ जाता, 6 चौक 24, तो 24 आ जाता, तो आपका आंसर आ जाता 24। ठीक है, किसी की भी पूछते तो आपका आसान तरीके से हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक आदमी ने 7 लड़के थे, एक आदमी के 7 लड़के थे और उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी। एक बच्चा जो 6 वर्ष का था मर गया। बताए इस बच्चे की मृत्यु के 5 वर्ष बाद जीवित बच्चों की औसत आयु क्या थी। सबसे पहले हम सभी की टोटल आयु निकाल लेंगे, यानी कि 7 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 12 है, तो टोटल कितनी आ गई 84। अब एक बच्चा मर गया तो उसकी आयु उसमें से माइनस कर लेंगे, तो कितनी बच गई, जो बच्चे मर गया उसकी आयु को माइनस करेंगे तो 78 आ गया। और जो 78 आया है ये कब आया है, एक आदमी के 7 लड़के थे और उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, 6 वर्ष का एक बच्चा मर जाता है, तो बताया कि बच्चों की मृत्यु के बाद 5 वर्ष बाद जो ये 78 आए, 5 वर्ष बाद वाली आयु आई है, तो 6 बच्चे जो अभी बचे हैं सभी में 5 5 प्लस करेंगे, तो यानी कि 30 साल और ऐड करने पड़ेंगे। और जो ये 108 आएगा उसके बाद में 30 प्लस करने के बाद में, ये 6 बच्चों की टोटल एज आ जाएगी। ठीक है, जो ये 108 आया है ये 6 बच्चों की टोटल यानी कि कुल एज आ गई है, और पूछा है कि अब एवरेज एज उनकी क्या होगी, तो टोटल एज को 6 बच्चों से भाग कर देंगे तो 18 ईयर आ जाएगी, ये आंसर आ गया। इसको एक बार और देखते हैं, देखो 7 बच्चों की औसत आयु कितनी है 12, तो टोटल कितनी हो जाएगी 84, 6 वर्ष का एक बच्चा उसमें से चला गया मर गया तो कितनी बच गई 78। तो अब उनकी 5, इसमें 6 और 5 की गुणा क्यों की, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले की आयु आई है 78, तो 6 में 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30, और जो 30 आया है इसे प्लस करेंगे तो ये 108 आएगा, 108 6 बच्चों की प्रेजेंट एज आ जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट एज आ जाएगी, यानी कि जो 5 वर्ष पहले की बात की थी ना उसे उससे आगे आ जाएंगे हम। ठीक है, तो ये कितनी आ गई 6 बच्चों की 108। अब पूछा है प्रेजेंट में उनकी जीवित बच्चों की औसत आयु कितनी होगी, तो 108 को 6 से गुणा कर देंगे क्योंकि एक बच्चा चला गया तो बच्चे बच्चे 6, तो 18 ईयर जो आ गई ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, और अगर आपके समझ में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं उसे कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, मुझे सब क्वेश्चन ध्यान रहते हैं, जितने भी आप मुझे कमेंट करते हैं मैं सभी का रिप्लाई भी करता हूं, और अभी तक के जितने भी पार्ट मैंने अपलोड किए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप वो सभी पार्ट देख सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ सारी। आपको वीडियो जो पसंद नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।